मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी, जाने कब तक आएगा रिजल्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों के चुनाव के लिए आज यानी बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। मतदान प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम 6 बजे मतों की गिनती शुरू होगी और रात 11 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। बता दें कि इससे पहले 8 नवंबर को ही चुनाव होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे आगे बढ़ाया गया और अब 22 नवंबर को चुनाव हो रहा है। इस बीच दीपावली की छुट्टी होने की वजह से प्रत्याशी लगभग 1.5 हफ्ते तक अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सके थे। दरअसल कोर्ट परिसर में प्रत्याशी ग्रुप में और वकीलों के चैम्बर में जूनियर्स के साथ अपनी बात अच्छे ढंग से रख सकते थे, लेकिन छुट्टी की वजह से इस तरह का संपर्क नहीं हो सका। अब जब 20 नवंबर को कोर्ट खुला तो महज 2 दिन ही प्रचार का समय वकीलों को मिला। इधर प्रत्याशियों की बात की जाए तो अध्यक्ष पद के लिए अमर सिंह राठौर, रितेश इनानी और पवन कुमार जोशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए यशपाल राठौर, विश्वेश पलसीकर, सीपी पुरोहित और राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी मैदान में हैं। इसके अलावा सचिव पद पर संजय करंजवाल, मनीष गडकर और भुवन गौतम खड़े हुए हैं। 20 साल पहले ऐसे होता था चुनाव। वहीं सचिव और कार्यकारिणी पदों के लिए भी प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में 20 साल पहले यानी साल 2002 के पहले तक वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी और केवल बैठक के जरिए ही कार्यकारिणी तय होती थी। वहीं वन बार वन वोट की व्यवस्था लागू होने के बाद 3,500 से ज्यादा सदस्य होने के बावजूद वोटिंग का अधिकार केवल 1,807 लोगों को ही मिला है। इधर इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव की बात करें तो अभी यह चुनाव होना बाकी है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों के दावेदारों ने अब जनसंपर्क शुरू कर दिया है, लेकिन चुनाव की तारीख भी अभी तय नहीं हो सकी है। इस संबंध में अभिभाषक संघ को कई वकीलों ने पत्र भी लिखा है और कहा है यह तारीख जल्द तय की जाए। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए यह मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 4 वकील इस पद के दावेदार हैं। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।